स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। ये व्लॉग मैं अकेले करने जा रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पर बबलू नहीं है। बबलू जो है वो घर पे है और मैं हूँ श्रीनगर पे। तो मैं आज जा रहा हूँ देवप्रयाग, तो चलिए मेरे साथ। श्रीनगर से जो है देवप्रयाग 38 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम उसी के रास्ते में निकले, तो चले चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग, जहां पर संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। तो यहां पर का जो नज़ारा है बहुत बढ़िया है, देखने में बिल्कुल दिल को छू जा रहा है। यहां पर आके लग रहा है कि कहीं पर आया हूं। बबलू के बिना ब्लॉगिंग करने में तो कोई मज़ा नहीं है, फिर भी चलो अकेले। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम होता है, जिसे बाद में पवित्र नदी गंगा कहा जाता है। हरिद्वार से देवप्रयाग की दूरी करीब 94 किलोमीटर है और यही दूरी ऋषिकेश से आपकी 72 किलोमीटर है। मेरी तरह आपने भी बबलू की ब्लॉगिंग मिस करी होगी, तो आप सब प्रे कीजिए कि हम जल्दी से जल्द साथ में ब्लॉग में आए। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये था मेरा रुद्रप्रयाग का टूर। बबलू के बिना बिल्कुल मज़े नहीं आए, अकेले अकेले तो कुछ मज़े नहीं आते। जब बबलू होता है तभी कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ मज़े आ रहे हैं, कुछ टूर हो रहा है या कुछ हमारे ब्लॉग बन रहा है। अकेले में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बोरिंग बोरिंग।